हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मधुकरा टेक पे। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंग्स। कभी भी अक्सर हमें देखने को मिलता है, हम गाड़ी के साथ लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और कुछ फालकोडों के साथ में हमें देखने को मिलता है सेंसर सप्लाई सर्किट, 1 सर्किट सेंसर सप्लाई, 2 सर्किट सेंसर सप्लाई, 3 सर्किट, उसी प्रकार 4, 5 और 6। इनके ऊपर हमें डिस्क्रिप्शन में जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ पाता कि हमें इनके ऊपर क्या काम करना है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है, अगर आप कभी भी टाटा BS6 कमिंग्स के अंदर लैपटॉप कनेक्ट करें और आपको डिस्क्रिप्शन में किसी फालकोड के डिस्क्रिप्शन में सेंसर सप्लाई 6 सर्किट देखने को मिले तो उसके ऊपर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो 5 वोल्ट सप्लाई किस सेंसर के लिए जाती है और ये फालकोड आने के कारण क्या है और इसे हम इजीली किस प्रकार से गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने सेंसर सप्लाई 1 सर्किट सेंसर सप्लाई 2 सर्किट इसी प्रकार 3, 4 और 5 पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आज हम बात कर लेंगे कि अगर डिस्क्रिप्शन में आपको सेंसर सप्लाई 6 सर्किट देखने को मिलता है तो उसके ऊपर हमें किस प्रकार काम करना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर, ये आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, उसकी फुल जानकारी के लिए भी आप इसके ऊपर हमसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको किसी भी फालकोड के डिस्क्रिप्शन में सेंसर सप्लाई 6 सर्किट देखने को मिले तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने सेंसर सप्लाई 1, 2, 3, 4 और 5 तक की वीडियो बना रखी है और आज हम 6 सर्किट के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको सेंसर सप्लाई सर्किट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब हम सेंसर सप्लाई 6 सर्किट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारा इशू का J1 वाला कपलर है, इसके 43 नंबर पिन से हमारी ये RPS इसकी फुल फॉर्म में कॉमन रेल प्रेशर सेंसर के ऊपर जाएगी। जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा तभी आप इस फालकोड को पकड़ पाएंगे और इजीली काम कर पाएंगे। तो हमारे J1 के 43 नंबर पिन से हमारे कॉमन रेल के प्रेशर सेंसर के इस पर पिन पे हमारी वोल्टेज आएगी, 5 नंबर आएगी और अर्थ हमारा आएगा J1 के 68 नंबर पिन से आएगा। अब यहाँ पर 2 कंडीशनें रहती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे टाटा BS6 कमिंस के अंदर 2 प्रकार के इंजन आते हैं, एक को हम अतुल्य इंजन बोलते हैं, एक को हम अश्वमेध बोलते हैं। जो हमारा अतुल्य इंजन अश्वमेध इंजन होता है उसे हम 5.6 लीटर इंजन बोलते हैं और जो हमारा अतुल्य होता है अश्वमेध को हम 5.6 बोलते हैं, जो हमारा अतुल्य होता है उसे हम 6.7 लीटर इंजन बोलते हैं। इनमें फ़र्क क्या है आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो हमारा 7.6 अश्वमेध है इसका जो भी हमारा पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे रेटर के साइड में यानी आगे की साइड में जैसे BS4 में होता था उस प्रकार से आगे लगा हुआ मिल जाएगा। तो आप समझ जाना कि ये हमारा अश्वमेध इंजन है। अगर आपको अतुल्य इंजन 6.7 लीटर इंजन की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो भी फ्यूल प्रेशर पंप हो गया, हमारा कंप्रेसर हो गया, वो आपको पीछे की साइड में यानी गियर के पास में की साइड में लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आप समझ जाना वो हमारा अतुल्य इंजन है। अब हमारा जो इशू है ये सेम होता है, इसके 43 नंबर पिन से ही हमारी कोई सा भी इंजन हो हमारे 43 नंबर पिन से ही 5 वोल्ट सप्लाई जाएगी, लेकिन अब हमारे इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका अश्वमेध इंजन है तो उसके अंदर जो कॉमन रेल प्रेशर सेंसर है वो आपको 4 पिन का देखने को मिलेगा और दूसरी जो गाड़ी होती है उसमें हमारे जैसे BS4 में हमारे
तीन पिन का कपलर होता है, तीन पिन का सेंसर होता है, इसमें भी आपको तीन पिन का सेंसर देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी गाड़ी में कॉमन रेल प्रेशर सेंसर चार पिन का है तो उसका आपको तीन नंबर पिन के ऊपर आपकी सप्लाई जाएगी, 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। और अगर आपका तीन पिन वाला है तो उसका ए नंबर पिन के ऊपर आपके तीन पिन 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी में काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझाने के लिए लिख दिया है कि अगर हमारे J1 के 43 नंबर पिन से हमारी 5 वोल्ट सप्लाई जाएगी, अगर आपका चार पिन वाला कपलर है तो उसके तीन नंबर पिन पे जाएगी, अगर आपका तीन पिन वाला सेंसर है तो उसके एक नंबर पिन के ऊपर जाएगी। अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे 68 नंबर से जाएगा, अगर आपका चार पिन वाला कपलर है वो सेंसर है तो आपके दो नंबर पिन पे जाएगा, अगर आपका तीन पिन वाला सेंसर है तो उसके बी नंबर पे जाएगा। तो ये आपको जो नंबरिंग है वो आपको सेंसर के अंदर जो पिनें होती हैं वहाँ भी दिखाई दे जाएगी, और कपलर को निकालेंगे वहाँ भी आपको इसकी मार्किंग मिल जाएगी कि हमारी कौन सी पिन कौन सी होती है। तो काम करते टाइम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ही गाड़ियों में हमारे इशू के 43 नंबर पिन से जाएगी, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, लेकिन हमारा जो सेंसर होगा उनकी ये जो ये पिन नंबर है ये दोनों अलग अलग रहेंगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं सेंसर सप्लाई 6 सर्किट अगर डिस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता हो तो हम क्या करेंगे, कॉमन रेल का कपलर हटा लेंगे और फाल कोड को रिफ्रेश करेंगे। अगर हमारा ये फाल कोड इनएक्टिव हो जाता है तो जाहिर सी बात है हमारा कॉमन रेल प्रेशर सेंसर ख़राब है, शॉर्ट हो चुका है, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। अगर इसके कपलर हटाने के बावजूद भी हमारा ये फाल कोड इनएक्टिव नहीं होता तो जाहिर सी बात है हमारी ये 5 वोल्ट सप्लाई या तो किसी अर्थ वाली वायर के साथ शॉर्ट हो रही है या हमारा ग्राउंड के साथ में केबिन में चेचिस में या इंजन के कहीं भी ग्राउंड में शॉर्ट हो रही है। तो हमें इशू की 43 नंबर पिन से इसकी वायरिंग को प्रॉपर अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें इसका शॉर्ट सर्किट मिलेगा। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि अगर हमारे सेंसर सप्लाई 6 सर्किट है उसकी 5 वोल्ट सप्लाई हमारे कहाँ पर जाती है, तो ये सिर्फ एक हमारे कॉमन रेल सेंसर के ऊपर ही जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर कभी हमें सेंसर सप्लाई 6 सर्किट मिलता है तो इसके साथ में हमें फाल कोड कौन कौन से देखने को मिलेंगे। सेंसर सप्लाई 6 सर्किट के साथ में जो हमें फाल कोड देखने को मिलेंगे वो फाल कोड होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको कभी जब भी अब दोबारा वीडियो देखो तो आपको ये चीज़ें याद रहें। पहला जो फाल कोड आपको इसके साथ देखने को मिल सकता है वो है 0515, और दूसरा जो फाल कोड है वो हमारा 516 फाल कोड है। तो डिस्क्रिप्शन में सेंसर सप्लाई 6 सर्किट के साथ में आपको फाल कोड 515 या 516 दोनों में से कोई फाल कोड या हो सकता दोनों भी फाल कोड देखने को मिले। तो आपको इजीली इन चीज़ों का इस डायग्राम को फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉमन रेल का कपलर हटा के फाल कोड को रिफ्रेश कर लीजिए और देखिए हमारे ये कोड एक्टिव इनएक्टिव में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप 5 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लीजिए। अगर कपलर हटाने के बाद फाल कोड को रिफ्रेश करेंगे और हमारे ये कोड इनएक्टिव हो जाते हैं तो आप बेझिझक होकर कॉमन रेल सेंसर बदल दीजिए, आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम कॉमन रेल सेंसर के ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाएं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसके ऊपर, इसी सिर्फ एक सेंसर के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने की। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अगर हमें कभी भी ये फाल कोडों के साथ में डिस्क्रिप्शन में सेंसर सप्लाई सर्किट देखने को मिले तो हमें उसके ऊपर किस प्रकार क्या क्या काम करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।